बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, आज की ये वीडियो लटकती हुई जिल्द और चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करने के बारे में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है, हमारी जिल्द लटकने लगती है और चेहरे पर झुर्रियाँ भी दिखने लगती हैं। बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जिनको इस्तेमाल करके आप झुर्रियों के अमल को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। बस आपको उनके इस्तेमाल का सही तरीका पता होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आपकी बढ़ती उम्र के असर को कम करेगा और आपके चेहरे को निखरा निखरा और शादाब बनाएगा। ये गर्मियों के हिसाब से पेस्ट है, तो गर्मियों के लिए बहुत ही लाजवाब पेस्ट है। गर्मी का अक्सर औकात हमारे चेहरे पर असर होता है, धूप से हमारा चेहरा स्याह पड़ने लगता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है तरबूज। तरबूज आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जितना लाल तरबूज होगा उतना ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तरबूज का मौसम भी चल रहा है, मामूली सा तरबूज आपने लेना है, बस एक छोटा सा तरबूज आपने लेना है और आपने उसको मेश कर लेना है। अब जो चीज़ आपने लेनी है वो है मुल्तानी मिट्टी। ये आपको हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर साल्ट फार्म में मिले तो घर पर ही पीस कर पाउडर बना लीजिएगा। इसके आपने दो चम्मच डालने हैं। अब जो चीज़ आपने इसमें डालनी है वो है बादाम का तेल, यानी रोगने बादाम, बादाम का तेल। अगर किसी के पास बादाम का तेल नहीं तो वो जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकता है। बस दो से तीन कतरे आप उसके डालें। अब जो चीज़ आपने इसमें मिक्स करनी है वो है चावल का आटा। बारीक पिसा हुआ चावल का आटा आपने लेना है, इसका आपने एक चम्मच डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे आपने अपने चेहरे पर लगाना है, अप्लाई करना है। अच्छे से इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और लगा कर छोड़ दें। 15 से 20 मिनट में ये खुश्क हो जाएगा। दिन हो या रात, किसी भी वक्त आप इसे लगा कर छोड़ दें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पहले ही हफ्ते में दो से तीन बार इस्तेमाल करें, फिर इसके बाद हफ्ते में बस एक बार। इससे आपका चेहरा तरोताज़ा, जवान और शादाब रहेगा। साथ साथ ही ये आपके चेहरे को गोरा बनाएगा और रंगत निखारेगा। तो नाज़रीन, ईद आने वाली है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद है कि आपको इस रेमेडी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि हम सब ही इस बात से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं कि अच्छा चेहरा, साफ सुथरा चेहरा हर किसी को ही पसंद होता है, तो ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी के सबब आपका ये जो ख्वाब है इंशाल्लाह पूरा होगा और इससे आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।